तो सिर्फ अकेले परफॉर्म नहीं करते, पूरी दुनिया उनके साथ परफॉर्म करती है, जो भी लोग उनके सामने बैठ के एंजॉय करते सुनते हैं। और लाइव एग्जांपल तो आपके सामने गोरियां देखो कैसे नाच रही है। Do you understand what he said? So, you know me? Who I am? अच्छा ये देखो दुनिया में कितना प्यार है, हम लोग इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, ये हमारे देखते रहते हैं। वेरी नाइस, शुक्रिया, थैंक यू गर्ल्स, थैंक्स, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां दिलेर बाजी के लिए। तो दिलेर बाजी कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मुझे बहुत बहुत खुशी है क्योंकि जितने भी शोज मार्केट में चल रहे थे सब कोई यूरोप का कॉपी था, कोई अमेरिका का कॉपी था, सब कॉपी करके कोशिश कर रहे थे कुछ एक जगह बनाने की। लेकिन मेरे भाई का एक ऐसा शो है जो अपने आप में प्योर इंडियन और सिर्फ कपिल का ही अपना शो है, और बस यही इंतजार करते थे कि कब वो दिन आएगा कि मैं भी शो में शामिल होऊंगा। भाई हम तो हमेशा से आंखें बिछा के आपका इंतजार कर रहे थे, आपके पास टाइम नहीं, कभी अमेरिका तो कभी लंदन कभी स्पेन, अब क्या करें। सो मैं बिकॉज दलेर पाजी को जिन्होंने देखा पहली एल्बम बोलो तारा जब रिलीज हुई तो लोगों ने ओवरनाइट देखा एक सुपरस्टार को, लेकिन पाजी उसके पीछे की मेहनत जो है वो शायद कोई नहीं जानता होगा। सो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपने सीखना शुरू किया? मेरा जन्म तखसरी पटना साहब बिहार में हुआ है। मेरे फादर साहब अजमेर सिंह जी और माता मेरी बलवीर कौर जो कि गुरुद्वारा साहब में ही कीर्तन करते थे, और मेरा जन्म से पहले ही मेरा नाम जो था, जब मैं कहते हैं कि माँ के पेट में भी नहीं था तो हमारे माता पिता ने सोचा था अगर हमारे यहाँ बेटा होगा, अगर बच्चा होगा तो उसका नाम हम दलेर सिंह रखें, डाकू दलेर सिंह रखेंगे। तो भगवान ने सुनी और कहते हैं कि जब पैदा हो गया तो नाम तो उन्होंने सोचा था, पर जर्नी हरदम गुरुद्वारे से नाम रखते हैं तो सोच रहे थे कहीं कहीं और कोई और वहाँ पे अक्षर या लेटर निकल आया तो पता नहीं क्या होगा, हमने तो दलेर सोचा था। तो गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पे जब गए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी फिर जो लेटर था वो डी ही निकला, तो इस तरह मेरा नाम हुआ। और माँ बाप से मैंने पहले म्यूज़िक सीखा, कीर्तन सीखा, राग सीखे, फिर मेरे उस्ताद लेट उस्ताद श्री राहत अली खान साहब जो गुजर चुके हैं उनसे मैंने फिर पटियाला घराना से उनकी गज़लें सीखी, गाना सीखा गोरखपुर से, इस तरह मेरा ये सफ़र शुरू होता 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 फिर थोड़ा सा नाम मशहूर हुआ। दलेर मेहंदी मेरा नाम जो शुरू हुआ था मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ अभी आए हुए हैं अमरजीत सिंह, ये कहते कि कहते यार मैं परवेज मेहंदी साहब की गज़लें बहुत गाता था तो कहते यार मैं तेरा एक नाम सोचा है, ना रखना है। तो आगे पीछे मुझे बहुत काफ़ी उन्होंने बुरे बुरे नाम दिए थे, मैं कहता रहने दो यार मुझे नहीं चाहिए नाम, बोलते नहीं यार तू सुनता है तो तेरा नाम रख दे दलेर मेहंदी। मैंने कहा नाम तो ठीक है पर हम लोग सिखों के घर में पैदा हुए हैं, सिखों के बच्चे हैं, पर मेहंदी से लोग सोचेंगे शायद ये मुस्लिम या मोमडन है। बोलते यार जो जो अच्छे गाने वाले होते हैं ना तो उनका सब सब धर्म से प्यार होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, सबको प्यार करने वाले होते हैं। देखे ना जो दलेर शब्द है ना इसमें से पंजाबियत छलकती है। थैंक यू। तो मैं आपको ये कहूंगा आज ये नजरें नहीं बनी झुकने के लिए, पंजाबी जी कहना ये नजरां नहीं बनिया झुकन वास्ते, ये ते बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई ते या सरदारियां। वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। और ये आज दलेर पाजी ने बताया कि परवेज मेहंदी साहब के नाम से बड़े भाई साहब ने दलेर पाजी को नाम दिया दलेर के आगे मेहंदी। ये तो हम लोग कभी कभी सोचते थे क्योंकि मैंने कहा कि दलेर पाजी के नाम के आगे मेहंदी लगता है, मीका पाजी के आगे नाम के क्यों नहीं लगता, तो सारी मेहंदी दलेर पाजी यूज कर गए तो मैं सोचता था। तो पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में, अभी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके चाहने वाले आपके गानों पे थिरकने वाले लोग यहाँ पे मौजूद है, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एकदम दलेर पाजी के लिए। और शर्मा जी शर्मा जी बाबा जी आज तो कोई हॉट लड़की यहाँ पे नहीं है, आज आप क्यों घुसाए अंदर? अच्छा लेकिन मैंने ना सुना है आपके यहाँ कोई मेहंदी लगाने वाली लड़की आई है। आप कहाँ कहाँ से उल्टी सुल्टी खबरें सुन के आ जाते हैं आप? हमारे घर में आज दलेर मेहंदी साहब आए हैं, जाइए जाइए आप यहाँ से। ओ हो दलेर मेहंदी साहब आए, ओ हो मेहंदी साहब
सबसे पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। खैर, अच्छा शादी के लिए मैंने आपको बुक करना है। शादी आपकी पोती की है या पोते की है? नहीं, आप ये पूछिए लड़के की शादी है या लड़की की शादी है। लड़के की शादी है या लड़के की शादी है? देखिए, हमारे यहाँ अकेले अकेले का दरवाज है नहीं, लड़की और लड़के दोनों की शादी है। एक मिनट, आपने भाई साहब अभी तक बताया नहीं। हाँ जी, शादी है किसकी? लगता है आपने रियलाइज नहीं किया कि शादी वाला लड़का पगड़ी बांध के आपके साथ बातें कर रहा है। आप शादी करवा रहे हैं? पर पापा जी, आप तो वाइब्रेशन पे लगे हुए हैं, क्या मतलब कैसे? आप एक जगह खड़े तो करें अपने हाथ, आप शादी करने चले? फिर क्या हुआ, वाइब्रेशन पर लगाऊं? नेटवर्क तो पूरा आता है कि नहीं? तो आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है? मतलब छह शादियां मैंने करवा ली हैं। हाँ, छह हो चुकी हैं। हाँ जी, तो अब क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं, वो टिकती नहीं थी मेरे पास। तो जो छह नहीं टिकी तो अब टिक जाएंगी क्या आप? देखो मेरी बात सुनो, बंदे का जिंदगी में एक आध बार पेट खराब हो जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो खाना खाना छोड़ दे। दिलेर भाई, बंदा तो तब तक खाता रहता है जब तक आपके सारे सुर काले और ढीले हो चुके हैं, इसलिए आप सातवीं शादी हो रही है आपकी। लग रहा है कि आप अपने सुर को एक बार रियाज करके अच्छी तरह चेक कर लीजिए। ओए होए 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 होए, ये होता है सीखे हुए बंदे का फायदा। कितने सुर में बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हाथी फसल में होता है यहाँ पर तो अभी तक आता पाई हो जानी थी। अंकल, बात एक आध सुर की है नहीं, आपका पूरा ऑर्केस्ट्रा ढीला हुआ पड़ा है। तो प्रॉब्लम ये है, देखो बैंड अगर धूम धड़ाके से बजता ना तो एक आध डुग्गी फटी हुई भी चल जाती है। बात से एग्री करोगे जी? देखो, जो आपने शादियों पर बैंड बाजे वाले देखे हैं, 20 लोग आते हैं, 20 के 20 पूरा बैंड थोड़ी बजाते हैं। ये आपने बड़ी पते की बात कही है, ये मैंने भी बात नोटिस की। जो बैंड वाले आते हैं ना, हाँ, 6-7-20 लोग होते हैं, उनमें से 8-10 बजाने वाले होते हैं, बाकी बीच में जो बड़ा वाला पंपू नहीं होता, वो बोला जो आदमी ने गले में फंसाया होता है, वो वैसे खड़ा होता है, पेमेंट होती है सिर्फ। क्या करते बताइए? दलेर बाजी, आप जब शादी में आओ तो आपने को रोमांटिक गाना नहीं गाना। क्यों? क्योंकि सोनू निगम पिछली बार आया था तो रोमांटिक गाना सुन के दुल्हन उसके साथ ही तुतक तुतक तुतियां हो। आप एक काम करें, आपको मिक्का ठीक करेंगे। आप मिक्का का नाम बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? सोनू से पहले 5 वही लेकर गया था। दलेर बाजी, बातें बहुत हो गई हैं, अब आप मेरे करेक्टर के हिसाब से कोई गाना अच्छा सा गा दो ताकि मेरे जो ना रोम रोम खड़ा हो जाए। प्लीज बैठ जाइए। ये एक्चुअली सड़क किनारे इंटरव्यू करने का यही बाजी घुसा रहा है, कोई भी घुसा आता मुंह उठा के। अब देखो कितनी उम्र है पापा जी की, शादी करने चले हुए हैं पूतनी का। हाँ भाई, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जब कोई आदमी अपने करियर में शुरुआत करता है, हाँ, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज दलेर पाजी सुपरस्टार हैं, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन पाजी जब आपने शुरुआत की होगी, कुछ ऐसी मेमोरेबल मोमेंट्स होती हैं कि जो आदमी कभी भूल नहीं पाता है। कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी भी होती है। कुछ ऐसा कभी हुआ कोई स्ट्रगल टाइम में कि आपने कभी कहीं शो करने गए हों और सारा काम ही खराब हो गया हो, वैसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा हुआ कि एक शो था और ये बात है 90 की बात है। अच्छा जी, ब्रजेश कपूर जी, उनको अल्लाह अभी जन्नत बख्शे, अभी अभी गुजर गए हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। तो उन्होंने कहा, दलेर यार एक शो आया गजल दा और बड़ी तेरी बहुत डिमांड हैगी, तो पाजी जरूर करेंगे। तब नाम दलेर मेहंदी हो गया था, ये बात 90 की है। अच्छा, लेकिन मशहूर काफ़ी लोगों में था कि दिल्ली में कि एक लड़का गजलें गाता है। तो बोलते हैं वहाँ पे और भी आर्टिस्ट हैं और सुनने वाले बहुत गजब के हैं, और कहते हैं कि प्रवेश साहब की गजलें बहुत कमाल से सुनेंगे जी। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं कहा पाजी चलेंगे हम। तो बुक हो गया। तो जनकपुरी दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे एक शो था और वो कोठी के अंदर कोई
150 गज का लॉन था, बड़ा सजा हुआ खूबसूरत, और हम लोग वहाँ शो करने के चले गए और शो शुरू हो गया तो मुझसे पहले बहुत अच्छा गाते हैं रवि जी हैं, वो उनका पहले बारी थी तो उन्होंने अपना हारमोनियम लेके थोड़ा गुलाम अली साहब का भी थोड़ा शेर ही बोला था थोड़ा सा, तो उसने एक फरमाइश आई बीच में कि हुजूर वो झूम बराबर झूम वो उससे शुरू कीजिए आप। अच्छा, उन्होंने कहा जी बड़े सुनने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आलाप लिया। हाँ। में आंख बंद की और पूरा भी आलाप खींचा ही था उन्होंने, तो एक पास में से आदमी उठा, उसने इतनी जोर से खींच के झांपड़ा मारा सिंगर के मुंह पे आवाज आई आवाज आई तो वो एको सब सब नए नए चले थे माइक, हेलो हेलो डिले वाले, हेलो हेलो हेलो, तो धप 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 आवाज आई तो हम सब ना पीछे से बोला कुछ आवाज आई है, तो जो उसका एक गिटार बजाता था उसके भाई सिंगर का, उसने अपना मुंह इधर करके हंसना शुरू हो गया तो दूसरा बोलता तुसी गाओ जी गाओ गाओ, तो उसने चाहे झापड़ खाने के बाद ना पूरा शेर करके दो गजलें गाई और बोलता है कि अब मैं चाहूंगा कि दूसरे आर्टिस्ट आए आप इसी तरह उनको भी प्यार करें तो इन्होंने इन्होंने ऐसे पैसे ऐसे रखे, हौसला जाए पूरी इज्जत पूरी, वो हटे तो एक चांदी जी हैं वो भी उस टाइम हमारे साथ होते थे अभी भी, तो चांदी जी की बारी आई तो बोलते कि चांदी बोलते मैं तुहानू छल्ला सुनावांगा, तो छल्ला उसने शुरू किया, तो एक तरफ से दूसरी तरफ से एक आदमी आए ऑडियंस में से, उसने आके चांदी जी को बड़े पहले प्यार से किया, फिर एक किसी तो किसी हाँ तो चांदी जी बहुत गोरे गोरे लाल, तो चांदी जी की गाल ऐसे पकड़ के पूरी दांत ऐसे खींच दिए इतनी जोर से तो चांदी बोलते हैं चांदी चांदी की चीख आई हवा आए काजी चक वड लिया चक वड लिया चांदी को भी वड लिया। अब लास्ट में आई दलेर मेहंदी की बारी, भूत प्रेतों की पार्टी थी, मैं बिल्कुल पतला था एकदम, पहले सहम गया कि बड़ा है, तो बोले जनाब आपका तो कब से इंतजार कर रहे थे अब बहुत अच्छे आराम से, तो मैंने अपनी अभी दो शेर किए तो एक साहब को बहुत अच्छा लग गया शेर, वो आए उसने मुझे ऐसे गोदी मतलब स्टेज से ऐसे उठा लिया गोदी में और उठा के ना ऐसे घुमाना शुरू किया, इतनी जोर से दबाना शुरू सारी पसलियां ऐसे, मैं कहा पाजी बस मुझे गिराना मत मारना मत गिराना मत, यही कहता रहा घुमा के दो बार ऐसे, फिर मुझे स्टेज पे उठा दिया गाओ जी गाओ गाओ जी गाओ तो ये तो ये जिंदगी में भूलता है ये वाक्या नहीं भूलता ये वाकई अब सोच के हंसी आती, लेकिन आप उस समय सोचिए आप कि दो सिंगर के साथ पहले ऐसा हुआ, अब दलेर पाजी गाने लगे हैं, अभी तो गाना है ना, वैसे किसी आदमी ने बाथरूम उठ के जाना हो तो आदमी डर जाता ले मेरे पास आ रहा है एक मुझे भाभी जी ने एक किस्सा सुनाया था कुछ तो हरिद्वार में कुछ हुआ था वो उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग हरिद्वार में हम लोग शो करने गए और बहुत पुरानी बात तभी ये भी 92 की बात है, तो मैं गाने गा रहा था अपना और जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान मैं तेरा, सारी मिक्सिंग कर रहा हूँ गानों की मेडले बना मेडले गा रहा हूँ बड़े आराम से चलता जा रहा है शोर, और बहुत शादी का शो था काफ़ी भीड़ थी, तो एक आदमी बहुत ना ऐसे आया बहुत गंदे से कपड़े उसके एकदम, मैं कहता है तो मैंने कहा पिछट गाता गा पिछट जैसे बड़ा जोश में बोलता है एक गाना गा दीजिए, जटी यमला पगला दीवाना मैं सुनते हैं, तो आधा घंटा हुआ जा रहा कितनी बार मुझे रिक्वेस्ट कर चुका तो मैंने सुनी नहीं, मैं अपना जोश में लगा हुआ गा रहा हूँ, सडनली उसने ना ऐसे अपनी जैकेट में से हाथ डाला और बिल्कुल मेरे सामने ऐसे ऊपर फायर किया ढस तो जैसे मैं ढल किया मैंने कहा और ये यमला उसने छह फायर कर दिए और मैंने मुझे लगता है वो 5 मिनट का गाना है, मैंने 15 मिनट वही गाना गाना गाता है तो ये बातें अब हम लोग सोच के हंस रहे हैं, लेकिन सोचिए आप जब हो रही होती है उस समय कंडीशन क्या आती है। एक बार दलेर पाजी ने एक इंसिडेंट बताया बड़ा शेयर करने वाला है, दलेर पाजी के जब दिल्ली में स्ट्रगल के दिन थे साथ साथ में शोज भी करते थे, तो आपको कोई करनाल में मेरे ख्याल से कोई हमारे एक दोस्त सहगल साहब हैं कहते पाजी इदा है कि ताड़ा शो करनाल में है तो बस उत्ते जाना, वो बहुत इज्जत करते बहुत इतनी इज्जत करते हैं वो लोग हरदम,
आप याद रखोगे, तो उन्होंने से एड्रेस दे दिया। अब वहाँ पे मैं कितनी बार वो जगह से निकलता हूँ हाईवे पे, तो वो जगह देख के मुझे वो देने आते हैं। तो हम लोग थोड़े यहाँ से तैयार होकर गए शो करने के लिए, और वो लोग अभी ये जैसे हमारे साथ बॉबी है उसका भाई छोटा, सामान लेके अंदर घुसा तो फटाफट बाहर आ गया। तुतला था पाजी, नितल चलो क्या हो गया। वो जैसे उनको पता लगे कि दिल्ली वाले आ गए, तो अनाउंस कर, घर वाले उठ के माइक लेके, लो जी पंजाबी में बोल रहे हैं, दिल्ली वाले सिंगर सब आ गए हैं, अब हम लोग सब मिल के जूते मारेंगे खींच के लोगों को। तो वो सुन के कि बोलते निकल चलो, मैं चलो इतना क्यों अंदर, चलिए हम अंदर गए। तो बड़े हिम्मत के हमने शो शुरू कर दिया। अच्छा वो कपिल पाजी दूल्हा आपका फैन था शायद? दूल्हा फैन भी था, प्लस वो कुछ पुलिस वाले सारे वो डिपार्टमेंट के थे, तो सबकी हाइट 6-6 फुट की और सफेद कुर्ते और चादर, अपना पाऊ नहीं जड़े होंगे चादर बने हुए, लुंगी और सफेद, खूब अच्छी पर्सनैलिटी। और वो मेरे को आया, इतने बड़े बड़े हाथ उसके जो भी आए वो आया, कहना मेहंदी साहब जरा रौनक लानी है। मैं तो हाथ देखू किसने एक भी मारा तो काम मैंने अपना गाना शुरू किया। तो अब उनका बड़े बड़े कुर्ते, तो सडनली चार लोग आए, उन्होंने ऐसे कुर्ता उठाया और कुर्ता उसका ऊपर कर दिया, तो वो कुर्ता ऐसे फंस गया मुंह पे। उसके बाद इधर से मार उधर से मार चल रहे, तो मैंने गाना रोका, बोलता पाजी तू शुरू रखो। हमने शुरू किया, मारा मुरा अस्तवा जी। अब ये दूल्हा जो है अपनी कुर्सी से मेन कुर्सी दौड़ के आया। अच्छा। मुझे बोलता है शो मत बंद करना, आपकी धूमधड़ाके में कमी लग रहा है, ये यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होगा अभी, आप मत बंद करना, आपकी तरफ पड़ जाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं। मैं ठीक है, मैं गाता रहा। अब एक ने ना ऐसे एक सोडा उठाया और उसको ऐसे हिलाना शुरू किया बॉटल को, और उसे मेरी तरफ देख रहा है। मैं समझ गया कि ये जो देख रहा है ना, तो मैंने जब नीटा मेरे साथ है, नीटा कुलदीप, मैं कहा गाता गाता मैं कहा नीटे और कुलदीप ध्यान रखना भी कुछ भी होने वाला है। इतने बोला उसने उठा के फिर मारी मेरे ऊपर, मैं थोड़ा इधर हो गया। उसके बाद तो सबके बड़े बड़े कुर्ते अंदर से सोडे ही निकल रहे हैं। हम लोग फिर ना पैक करके, हम जनरली जितने भी नॉर्थ वाले सिंगर हैं उनकी बड़ी प्रैक्टिस है कि म्यूजिशियन वगैरह गाते गाते सब गायब होने की दौड़ गए। सबको बोला लपेटो, करते 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 जब मैं दौड़ के एकदम बस के बाद बैठ गया, तो दो लंबे वहाँ पे गेट पे आ गए, दरवाजे पे बस के, भाई साहब उनके बोलते कि एक बात समझानी है आपको। मैंने सोचा अब दो ही हैं कम तो मैं अब क्या हो सकता है, कि हाँ जी दसो। बोलते हैं पहले अंदर गुस्से से ही आए, हाँ दसो। बोलता है आप थोड़ा भक्ति के भी कुछ गाने वाने गाओ। मैंने कहा हाँ जब टाइम होगा गा लेंगे। तो दरवाजे में खोल लगा, बोले यार बात तो सुनो। मैं कहा दो मिनट रुका। उसने अभी शॉल ऐसे उठाई, मशीन गाने या सब कुछ इसका गन्ने वाने पाजी जानते रिकॉर्ड कराऊंगा। सारा जोश खत्म सब। पर वाकई में ये बातें अभी जितनी हंसी आ रही उतनी ही खतरनाक रही होंगी उस टाइम पे। लेकिन आज आप बहुत सारे रियलिटी शोज में जज भी रह चुके हैं, लेकिन कभी आपकी अपनी ऑडियंस से, अपने फैंस से ऐसे रूबरू बातचीत शायद बहुत कम हुई होगी। सो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप एक एक करके दलेर पाजी से जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज। जी मैम। रिष्ट पृष्ट मोहतरमा। हाय कपिल। कपिल आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम। सत श्री अकाल पाजी। पाजी मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आप मीका जी आपके छोटे भाई हैं, आप दोनों ने काफी गाने भी गाए हैं साथ में। सर आप दोनों की क्या सिमिलैरिटीज है और ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनकी बदलना चाहते हैं? अच्छा कोई एक चीज जो आप चाहते हैं कि वो बदल जाए? जब मीका बहुत बहुत छोटे थे, मीन्स 7-8 साल के, तभी वो मैंने खुद गिटार वो लेके, मेरे फादर साहब ने उनको गिटार सिखाई थी, पर वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे छोटी सी उम्र में ही इतने गिटार अच्छे बजाता था और इतने कंपोजिशन वगैरह करता था, तो टैलेंटेड तो बहुत है। बस वो जो एक उसकी बदलना चाहता हूँ कि वो जो रात में भी चश्मा लगा के घूमता रहता है वो मुझे समझ नहीं। तो
ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कि वो चेंज कर दिए। थैंक यू सो मच मैम शुरू में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस भी छोटे भी शादी में या फिर बड़े फंक्शन में जाता हूँ, एक्चुअली भाई साहब की बाजू पकड़ लीजिए साथ में कोई समझ में नहीं आ रहा रखनी कहाँ, कभी बाजू में ऐसे रख लेते कभी। मैं ना एक बात करनी चाहता हूँ, तो मेरा जो है सर, आप तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फेम के सिंगर हो, लेकिन मेरी बात है कि हम किसी भी छोटे मोटे शादी में या फिर फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपका ट्रैक बजता रहता है, और साथ ही साथ ट्रैक के साथ साथ आपका एक यूनिक स्टाइल होता है, एक स्टेप है, वो स्टेप उसके बारे में पूछने का सर, कि आपने खुद से इन्वेंट किया या फिर किसी और से सीखा आपने? ये जो आपने सवाल पूछा ना, आपको पता है आपके चेहरे पे इतने गंभीर भाव थे। बेसिकली भाई साहब का सवाल ये है कि हम जब शादियों में जाते हैं तो आपके ट्रैक्स बजते हैं और आपके स्टेप्स लोग करते हैं, जो कि मेरे मन में भी था सवाल, अच्छा कि आपने पूछ लिया, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि सर काला धन भारत वापस कब आएगा। आपका चेहरा आपके सवाल के साथ मैच नहीं कर रहा। ये जो आपके स्टेप्स होते हैं ना बाजी के, बड़े स्वीट स्टेप्स होते हैं, सो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज्यादा थकावट भी ना हो, तनुक 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 तनुक, पर बड़े ही मजेदार लगते हैं पाजी के डांस के साथ और गाने के साथ। ये पाजी कौन, ये आप खुद क्रिएट करते हैं अपने स्टेप्स? एक्चुअली छोटे छोटे स्टेप ऐसे ऐसे बनाना, ये करना, इसलिए सोचते बहुत साल पहले हम लोग शो कर रहे थे, वहां पे शो करने के लिए डांस फ्लोर बड़ा हुआ था, और सडनली हमारे एक मित्र थे सरदार जी, जान पहचान वाले, वो आए और शोर मचाया, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, तो सब डांस फ्लोर खाली कर दिया। उन्होंने स्टेप करना कुछ चाहा तो आए, कुछ किया ऐसे किया, ऐसे भी किया, उसके पता नहीं कि क्या मन में आई, सिर ऐसे नीचे रखा, नीचे रखा तो पगड़ी नीचे रह गई, ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे घूम रहे, ऐसे ऐसे कर रहे पगड़ी नीचे रह गई सारी दुनिया, तो बाद में रियलाइज हुआ कुछ हल्का ऊपर से लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि स्टेप इतने छोटे होने चाहिए कि अगर आप कहीं भीड़ में भी हो तो लोगों को बिगाए बजाए ऐसे परेशान कर, आपने देखा ना कहीं ऐसे शुरू कर देते हैं, कोई मीन बजाना शुरू कर देते हैं, तो छोटे बनाए मैंने कि तो यहाँ या कर सके यहीं कर सके, इसलिए तो बेसिकली पाजी ने इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि जगह कम है और ज्यादा लोग हैं तो आप अपनी जगह खड़े खड़े कर सकते हैं। नहीं तो कसम से शादियों मैंने देखा है जब लोग कहीं पीवी के नाचते ना, कहीं किसी के यहाँ कुनी लग गई, सबसे ज्यादा खराब स्टेप करते हैं लड़के का जीजा जो होता है, उसको इसी बात का बड़ा घमंड होता है, मैं लड़के का जीजा हूँ, कभी बैंड वाले की टोपी उठा ली, कभी सपेरा, तो पक्का ही बनते हैं वो, तो परमानेंट ही है। आप क्या करते भाई साहब? जी मैं बेसिकली बैंकर हूँ। अरे वाह, माय नेम इज मयंक। आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। आप ऐसे बात करें, ये आप सारी बात करके आप अपने खुद हाथ पीछे क्यों ले जाते हो? ये सर एक स्टाइल है। वेरी गुड। नहीं नहीं बहुत अच्छा, आपकी नाभी अंदर से झांक रही है। जी तो भाई साहब आप करते क्या है वैसे? मैं बैंकर हूँ सर, असिस्टेंट मैनेजर बैंक। असिस्टेंट मैनेजर आप? यस सर। अरे वाह बड़ी अच्छी, कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग अभी मुंबई में, मैं मुंबई में दो साल से, पिछले दो साल से, पिछले दो साल से यहीं पे हैं। यस सर। तो कहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, बिहार में कि यहाँ पे? एक्चुअली मेरी पढ़ाई पुणे में हुई थी, तीन साल से पुणे में था और मुंबई में पोस्टिंग हुई फर्स्ट। पढ़ाई पुणे में हुई? नहीं नहीं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, देन यू वेंट टू पुणे फॉर स्टडीज, देन यू केम इन मुंबई, आई एम राइट? चलिए और कोई हमारे दोस्त जो दलेर पाजी से बात करना चाहते हैं? जी सत श्री अकाल दलेर जी। सत श्री अकाल जी। जी जी मेरा दलेर जी से सवाल है, अगर सोले पंजाबी में रिलीज होती है और इनको गब्बर का रोल दिया जाए तो इनके डायलॉग्स क्या रहेंगे दलेर पाजी के? जी दलेर पाजी के डायलॉग क्या होंगे? इक्की दुक्की रहन नहीं देनी, नक ते मक्खी बहन नहीं देनी। मुझे लग रहा है कि आप जो गब्बर सिंह का फेस था अमजद खान साहब का, तो वो उनसे दहशत नजर आती थी, आपका फेस जो है बड़ा क्यूट, ऐसा लगता है कि जागरण की पर्ची काटने आए आप। जागरण
चल के ऊपर आई जरा। तेरा बैंड बजी आप कब्र की तरह चल रहे हैं, तो फिर आप करना कि कितने आदमी थे। अच्छा मैं बसंती नहीं, मैं बसंती, मेरा दिल कर रहा है, मैं पजामी पहनी ना इसमें बसंती वाली फीलिंग आ रही है। क्लियर पाजी वीरू? हाँ मैं वीरू। हाँ बसंती ना भैन दे यार, ओए पिछे नहीं नचना तू। ये रामगढ़ वाले अपनी लड़कियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? एक ही तो चक्की रामगढ़ में, तेरे को नहीं पता? ये हाथ तो देखो कितने करारे हैं। अरे हाथ करारे, मैंने कहा हाथ के पकोड़े निकाल के खिलाया। गब्बर खबरदार, मुझे गंदी नजरों से देखा, सामने मेरा वीरू खड़ा है। देख लो छमिया। छमिया किसको बोला बे? बसंती जी को। बसंती जी को मेरी मम्मी का भी नाम बसंती है। क्या? मेरी मम्मी का नाम ही बसंती है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू शो में आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी पाजी तुसी बैठो। जी और हमारे कोई दोस्त जो दलेर पाजी से बात करना चाहते हैं? जी अरे आइए सर। सर मैं आपके बहुत एल्बम सुने, मगर आपने जो रोमेंट सब जो भी एल्बम है आपके सब नाचने वाले गाने वाले हैं, मगर कोई रोमांटिक एल्बम आपने आज तक नहीं निकाला। नहीं रोमांटिक गाना बहुत सारे गाए हैं, आपने पायरेटेड एल्बम लिया होगा। आपको पता दलेर पाजी के जो गाने होते हैं ना सर, दुनिया इनको एक पॉप स्टार के रूप में जानती है, इनके बीट सॉन्ग्स जो हैं वो दुनिया को पागल करके रखा हुआ उन्होंने। लेकिन मैं पाजी आपके जो एक एक एक्स्ट्रा नंबर होता ना आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे एक पाजी के एल्बम का था हर पल तड़पते हैं दिन रात से सकते हैं, पाजी दो लाइनें हो जाए उसके ऐसे ही मजे के आपस में। ये एक बिरहा का गाना है बेसिकली। हर पल तड़पते हैं दिन रात सिसकते हैं, जिनके लिए उनको क्या खबर, काश कोई जाए उनको ये बताए कितने हैं हम बेकरार रे। सर मैं कोलाबा, मुंबई कोलाबा से आया हूँ। कोलाबा से आए? क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से। अरे वाह वाह सर, सैल्यूट है आपको। थैंक यू। तो सर मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी। सर मेरा नाम अशोक। अशोक सर। अशोक जी कुछ आप भी गुनगुनाइए एक दो लाइनें ऐसे ही। अच्छा। ऐसे ही प्लीज खड़का दे यार, खड़का दे। अच्छा चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशोक जी। हमारे साथ ये आए हमारे फ्रेंड और मैम। अच्छा आपके साथ आए, क्या लगते हैं आपके? सर ये हमारे शिव साहब के, अपनी उम्र के दोस्त बनाया करो। सीओ साहब का बेटा है, सीओ साहब का बेटा है सर, उनके साथ मेरे साथ कमांडेंट साहब का बेटा है। वो कॉन्फिडेंस ही बता रहा है, ऐसे कैसे? पापा भी आए साथ में? नहीं सर। इधर आना बेटा, इधर उनके साथ आ जरा। ये मुंडा जबरदस्त है। तो ये आपके साथ आए सर, कमांडेंट साहब के सुपुत्र। हाँ। तो आप सच में हमारे शो के फैन हैं कि कमांडेंट साहब की ड्यूटी लगाई हुई? हम आपके फैन है, हम उनको रिक्वेस्ट किया, हम जाना चाहते हैं। अच्छा आ जा बेटा उधर। तो आपके पापा क्यों नहीं आए? सर उनका ऑफिस था सर, काम था, नहीं पाए। तो कहाँ पे, मुंबई में कहाँ पे रहते हैं आप? सर कोलाबा। कोलाबा में? हाँ जी। तो आप भी अपने पापा की तरह कमांडेंट बनेंगे बड़े होके? क्या क्या बनने का इरादा है? सिविल सर्वेंट सर, आईएएस। अरे आईएएस बनना है, ऐसा? हाँ। क्यों आर्मी में क्यों नहीं जाना सर? आईसाइट। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे ख्याल रखो और आईएएस बनो हमारे। सर बट बैकअप प्लान भी अगर कुछ नहीं हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी थोड़ा सा।
अच्छा मतलब कुछ और ना बन पाया तो स्टैंड अप कॉमेडी बन पाएंगे। सर आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो सर मेरे। सर मैं आपसे ये सीखता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए सर, चाहे कुछ भी नहीं आता। हमारी दुआएं आप बने, तो बहुत ज्यादा दुआएं आप बनी जाए। तो आप, ये आपने मेरी तारीफ बड़ी अच्छी की कि आप जैसा बनना चाहता हूँ, आता भले कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। ऐसा कैसे दिमाग में आया? आपको कैसे पता चला मुझे कुछ नहीं आता? नहीं सर, आपको बहुत कुछ आता है, कॉन्फिडेंस ही आपका मतलब हाई पे रहता है। आपको पता नहीं मैं चाय भी बना लेता हूँ। हाँ बढ़िया सर। वो आज आई नहीं आपकी वाइफ? अभी बुआ जी नहीं आई सर। आप उसी को तो नहीं देखने आए? ऐसे क्या कर रहा, किसी चाहिए? नहीं सर, अब उनको पिलाते होंगे ना सर, चाय उनको पिलाते होंगे ना। ओ गुरु, कोई तो आया जो तुझे चुप करा गया, तू सबको ठोक दे। अगली बार जब आप आए अपने पापा को भी लेकर आए। हाँ पक्का सर। जानबूझ के पापा को लेके नहीं आया, उनके सामने बोलता नहीं होगा ना। अभी पापा ने खुल के बोल रहा, आपकी वाइफ नहीं आई, आपको करनी शादी? नहीं सर, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा सर। सर मुझे ऐसे क्यों, अभी पैदा हुआ नहीं, ब्रह्मचारी पहले ही बन गया। बेटा जो त्याग उस चीज का आता जो भोगी हो। कुछ किया ही नहीं फिर भी जोगी हो, ऐसे क्यों ब्रह्मचारी क्यों रहना आपने? सर ये सब अभी कुछ सोचा नहीं है सर, अभी IAS पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है बेटा, आप बड़े इंटेलिजेंट हो सर। थैंक यू सर, गुड लक, IAS बनो आप। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी? हाँ जी, आप पहले भी आए भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप साहब, पटना बिहार से रहने वाला हूँ। नहीं दो मिनट जी वो तो ठीक है। आप पहले भी आए ना शो में? हाँ पहले भी मैं आया हूँ। मैं सुना हूँ कि दिलीप जी आ रहे हैं तो अच्छा। उनसे मिल के जाऊँ। हाँ। और ये मैं सुना कि मैं भोजपुरी भी गाते हैं, मैं तो उनके मुंह से कभी सुना नहीं है, मैं भी सुन लेता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं पटना बिहार से आया हूँ। और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं? और सर एक मिनट, सुनने के साथ मैं भी डांस करूंगा आपके साथ। ऐसे कैसे आप? खूब नाचे, बहुत बढ़िया, खूब नाचे, वाह वाह। आपसे आशीर्वाद था, मिल गया। मैं इतना टाइम से भटक रहा था, सोचा कि धन्यवाद, आपसे गाना सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा था, इतना अच्छा लगी कि आप इतना पूछे मत, बहुत मजा आ गई आपके गाना सुन के। हम तो सुनने नहीं रही है आपके मुंह से गाना, आपके सामने सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुश हो गया, आपसे आशीर्वाद। खुश रहो भैया, तू इतने टाइम से भटक रहा था, आज सटक गया। हाँ भाजी वाह, क्या लाइन है। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? दलेर भाजी नमस्कार, सत श्री अकाल। कपिल जी हाय। हाय हाय सिद्धू भाजी सर, क्या हाल भाभी? सबसे पहले दलेर भाजी आपसे पूछता हूँ जी, आज आपने आपकी करियर की शुरुआत में आपने अपने घर में हर रूम में गाने गाए होंगे जी, आपका कौन सा रूम ऐसा फेवरेट है जिसमें जो आपको सही लगा, रूम, बेडरूम या बाथरूम? अच्छा ये बड़ा पता नहीं, ये सवाल ये जो आपने सवाल किया ये जी। बहुत अगर तो इसको मतलब हंसने हंसाने पे ले जाएं तो अलग बात है जी, पर इसको सही गाने की रूह तक लेके जाएं तो जब मैंने अपना होश संभाला है जी,
पाँच साल की उम्र में, तो जो सबसे अच्छा मुझे घर लगा, जहाँ से बहुत सारे हम लोग को क्या कहते हैं किस्मत जागी, भाग लगे और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो हरदम मेरा फेवरेट है वो घर। वो कैसा घर है वो सुनाता हूँ मैं आपको जी। सबसे अच्छा जो जगह रूम, वो तख्त श्री पटना साहब का गुरु घर, जिसे मैंने कितने साल छोटी उम्र में, वो मैं तरसता हूँ कि वो मुझे माहौल वापस मिले जी। ऐसी जगह है जिसमें तरसता हूँ हरदम, और मैंने बहुत सारे वहाँ पे साल गुजारे हैं, और वो जो माहौल जो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ और गुरु घर सामने वहाँ पे गाना और सुनना, वो मेरा बहुत बड़ा फेवरेट, सबसे अच्छी जगह। थैंक यू सर। सिद्धू भाजी, एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे शो में गाना बजाना हंसी मजाक तो होता ही रहता है, लेकिन आज आपके आने से बाजी आज उस रब से भी तार जोड़ दिया आपने, शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। बाजी, आपके घर के सामने एक आपने मुझे किस्सा सुनाया था जी, कि आपको एक सपने में आया था कि यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे रोज मेरे ख्याल से 1200-1300 आदमी रोज जो है वो लंगर खाता है और वो खाना खा के जाते हैं, तो वो क्या किस्सा क्या था? वो गुरु हरगोविंद साहब है हमारे, 6वें गुरु हैं, 6वें पातशाह, वो मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरुद्वारा बनना चाहिए, तो मैंने कहा ड्रीम में कहा कि ठीक है हमारा बनाएंगे। और मैंने सुबह जितने मैंने सोचा यार दोस्त हैं, मैं इतनी जगह चैरिटी करता हूँ, लोगों को देता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा अभी गुरुद्वारा बनाना है। फिर रात को वापस ड्रीम आया कि घर तुम्हें बनाने को गुरुद्वारा बनाना है, बनाने को बोला है, लोगों के पैसे से नहीं, तुम अपने पैसे से कर। तो मैंने कहा मैं कहाँ से इतनी जल्दी कर सकता हूँ, तो बोलते कि तूने थोड़ी बनाना है, हमने कहा है। तो मैंने बोला सतवचन बोला और सुबह हमने शुरू किया, और पता नहीं कैसे इतना बड़ा गुरुद्वारा भगवान की दया से बन गया, और रोज़ सुबह शाम लंगर होता है, वो 1300 सुबह 1300 शाम, 1300 लोग शाम को लंगर वहाँ पे अब चलता है। बड़ी प्राइवेट बात करनी है भाई, आप शादीशुदा हो तो ऐसा कीजिए मिक्के से मेरी शादी करा दीजिए। ना तोतिया रंग का हरा घाघरा पहनूंगी और आप मिक्के को लाल रंग का सूट पहनाना, ठीक है? जोड़ी बनाने के बर्फ वाला गोला बनाना लाल और हरे रंग का। सुनिए दिलेर जी, मुझे आपसे बड़ी प्राइवेट बात करनी है
भाई आप शादीशुदा हो तो ऐसा कीजिए मिक्के से मेरी शादी करा दीजिए। तोतिया रंग का हरा घाघरा पहनूंगी और आप मिक्के को लाल रंग का सूट पहनाना ठीक है? जोड़ी बनाने के बर्फ वाला गोला बनाना लाल और हरे रंग का। पाजी ऐसे नहीं मारेंगे इनको, आप इनको थोड़ा चुप कराइए इनको। देखिए आप इतनी अच्छी हैं, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। वो ऐसे ठीक रहती है, इससे सामने से कोई हलवा वाला बुला ना, वो बासी हलवा। क्या आपने पाजी रायमी की है, कमाल है, दलेर पाजी की तालियां। अच्छा दलेर पाजी, जैसे आपने बताया कि परवेज मेहंदी साहब के नाम से मुतासिर होकर, उनकी गायकी से मुतासिर होकर आपके नाम के आगे मेहंदी लगाना आपने शुरू किया, सो आज आप परवेज साहब के लिए कुछ उनको कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? मतलब बहाने बहाने से हमें आपका गाना सुनना है। शर्मा जी मेरी भैंस भाग गई ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। Come on, शर्मा जी आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं हंस रही हूँ। This is called laughter therapy. लेकिन आप जैसे सीरियस लोग को क्या समझ में आएगा वैसे भी? आपको क्या पता, आप तो One minute. Is this the Daler Mehndi? राजा मियां छोड़ो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी, राजा मियां छोड़ो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी। दलेर जी नमस्ते। ये कौन सी नमस्ते हुई बहन जी? ये शर्मा जी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना तो उनमें जैसे डांस होता है ना, तो डांस में कैसे ऐसे नमस्ते किया जाता है, वैसे अब सिंगिंग होती है ना, तो सिंगिंग के अंदर हम सुर में नमस्ते करते हैं। कैसा लगा मेरा सुर आपको एकदम? नमस्ते इतना अच्छा कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे 30 साल पुरानी मुझे वो यादें सारी जाग गई हैं, जब मैं पैसेंजर ट्रेन में आता था तो चाय इतना अच्छा इतना सुर में आपने बोला है, और बल्कि सुर तो लगिन रहा था, ऐसा लगता असुरों की बहू गा रही है। शर्मा जी यू प्लीज जस्ट टॉक टू माय हैंड ओके? और मैं आपको वेरी फ्रेंकली बता रही हूँ कि ये बोल बोल के भी मैं काफी थक गई हूँ। इसके लिए ना मेरी एनर्जी ना बहुत वेस्ट हो जाती है, मैं एकदम डिहाइड्रेट हो जाती हूँ। इसके लिए आगे से मैं सिर्फ आपको इशारा करूंगी, आप समझ जाइएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। दलेर जी सच में क्या है ना कि कल मेरा कॉलेज का फेस्टिवल है, उसमें ना मैं फोक सॉन्ग गा रही हूँ, तो अगर आप मुझे थोड़ा सिखा देंगे तो हेल्प हो जाएगी, मैं शायद जीत भी जाऊँ फर्स्ट प्राइज। तो किन चीजों को पीछे पड़ी हुई सीखने को? भगवान ने इतना बड़ा पेट दिया है, जिन सोसाइटी में पानी नहीं आता इसमें पानी भर जाके सप्लाई कर जा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीख नहीं सकती? तुम नहीं सीख सकती, मैं आपको बता रही हूँ दलेर जी, सच में मैं आपको बता रही हूँ, मेरा घर है ना ऊपर, मेरे घर की दीवार पे मैंने ऐसे एक बहुत बड़ा सा आपका पोस्टर लगाया हुआ है और उसके सामने रोज 2 घंटा बैठ के मैं मसाज करती हूँ। अरे मसाज नहीं, रियाज होता है, उसको रियाज बोलते हैं। मैं मसाज ही करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, मैं अपने हाथ से मैं बता रही हूँ, नहीं होता क्या है ना, मैं अपने हाथ से अपने पैरों को दबाती हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने भारी है ना कि मैं अपने पैर को जरा जोर से दबा देती हूँ और मेरे मुंह से निकलता है आ। ओ, 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 ओ,
साथ 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 में रियाज भी हो जाता है ना। अच्छा तो आप पैर दबा दिए अपने हाथ से, अपने पैर छू के बताओ। अभी मेरा हाथ थोड़ा सा बिजी है, पता है क्या करने में? वैसे आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? जी, आपने आपका आपने फोक का करना है, तो मैं आपको फोक गजल जिसमें मतलब पंजाब नजर आना चाहिए या गांव नजर आना चाहिए। जी, भैंसों का झुंड नजर आए। जैसे कि आपका तो मैं आपको बहुत बहुत चाहूंगा कि जरा फोकस्ड गजल आपको सिखाता हूँ। जी प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सांड अंगड़ाइयां ले रहा। नहीं नहीं, आप इस फोक इसमें आपको फोक नजर आएगा, गांव का माहौल नजर आएगा, मुंह मत, गांव की चीजें होनी चाहिए। हाँ ये है ना, ओरिजिनल है। यस है। सांड अंगड़ाइयां बोले तो सही। सांड अंगड़ाइयां ले रहा है, सांडनी मुस्कुराने लगी है। अच्छा चलो चलो, ये तो चलो मजाक हो गया, चलो बहुत सिंपल। ओ दुनिया यारा रंग बिरंगी नाए पैड़ी नाए चंगी। एक बार में एक ही लाइन। दुनिया दुनिया यारा यारा रंग रंग बिरंगी बिरंगी। इससे तो गाने वाले को भी जूते पड़ेंगे, सिखाने वाले को भी पड़ेंगे। वो ये कहेंगे इससे अच्छा अपने उस्ताद को ही मार दे, मार के चली जा। नहीं, ऐसे शायरी इसकी असली टैलेंट है, वो इसने निकाली नहीं। शायरी शेर सुना आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, मैं आपके लिए एक शेर सुना देती हूँ। अर्ज किया है, आजकल अगर मैं स्वेटर नहीं पहनती तो लग जाती है मुझे सर्दी। आजकल अगर मैं स्वेटर नहीं पहनती तो लग जाती है मुझे सर्दी। दर्दी रब रब कर दी। वैसे ना मैंने आपके बहुत सारे गाने भी देखे हैं और वीडियोस भी देखे ना, उसमें आपके जो इर्द गिर्द लड़कियां नाचती हैं ना वो ठीक हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्कोप है कि आप ना एक अच्छी मतलब टैलेंटेड लड़की अपने साथ डांस में आपकी तरह होनी चाहिए जरूर, और हो सकती है बिल्कुल, और एक ऐसी लड़की जो अपने आप में ग्रुप डांस लगे मतलब। आपकी एक बार ये क्या टोकने की आदत है, हमेशा टोकते रहते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, यहां से टोको टोको वहां से ठोको ठोको, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई अपना अच्छा वाला गाइए और मैं डांस सिखा, फिर अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं आपके ग्रुप में आ जाऊंगी। थैंक यू थैंक यू, बहुत कमाल। अगर मैं कॉलिंग पे जीत गई ना तो मैं अपनी ट्रॉफी लेके आऊंगी आपके पास। बेचने नहीं, आगे सीखने। अच्छा आगे सीखने, ठीक है चलिए, ओके मैं चलती हूँ। ओके बाय 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 बाय। पाजी, जब भी यहाँ पे कोई स्टार्स आते हैं हाँ, तो हम लोग बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन हमारा भी कभी कभी दिल करता है पाजी हम लोग भी बैठ के एंटरटेन करें अपने आप को। हाँ। सो आज दलेर पाजी हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। मैं सामने बैठ के एंजॉय करूंगा पाजी आज। ठोको जरा दलेर पाजी के नाम पे ताली। आप लोग भी अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।